हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और गोभी का सिंपल बहुत ही इजी तरह से पराठा। तो आई होप आप सभी को पसंद आएगी, वीडियो अंत तक देखें। तो सबसे पहले आलू और गोभी को हम बॉईल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कुकर में आलू बॉईल और गोभी को बॉईल करने चढ़ा दिया है और अब हम कढ़ाई गरम कर रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी तेल। थोड़ा सा जीरा अब इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक अब हम प्याज को थोड़ा सुनहरा लाल होने तक भूनेंगे। तब तक हमारा आलू बॉईल हो रहा है, इसमें ऐड करेंगे हल्दी। मात्रा अनुसार नमक, तो आप देख सकते हैं मैंने आलू और गोभी को बॉईल कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मैश लेंगे। आलू को कढ़ाई में डाल दिए हैं, अब इसे अच्छी तरह से भूंज लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा आलू बनके रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने रोटी को बेल लिया है उसमें। अब इसे लाल होने तक, अब इसमें थोड़ा सा सरसों के तेल डाल दें। सरसों के तेल में बनाने से ज़्यादा अच्छी बनती है। तो आप देख सकते हैं हमारा आलू गोभी का पराठा बनके तैयार हो गया।